कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और सहाफी भाई यहाँ पे सब हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सुल्ला कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाजिल होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ बयान देने लगा हूं, अल्लाह की मुझे नबी शफात हासिल ना हो आखिरत में, और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफात हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हल्का कहते थे खान साहब का वोट सिर्फ जीटी रोड पे है, शहरों में है। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन भी करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, या ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा ये इसको एज अ सैंपल ले ले। 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा अल्लाह ताला की तरफ फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीए की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर, और मुस्लिम लीग जिया अमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक एक फॉर्म 45 मौजूद है जो मेरे टेबल पे कल दिखाए हैं, और ये वीडियो देखने मेरे हल्के की वीडियोस हैं। 48 घंटे हमारे लोग वहां पे रहे, डीपीओ बहावल नगर आया, उसने वहां से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को, ये गौर से देख ले, मैं पूरे वीडियो मीडिया में चलाऊंगा। 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा, उन्होंने डीपीओ बहावल नगर में अलीट पुलिस के साथ रेंजर्स के साथ वहां से तमाम रिकॉर्ड गायब किया, और मेरे जो जीत थी या फिक्र ले लूं सिर्फ मैं जान दूंगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहां पर 40 फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूं, और से जरा वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710। दूसरे नंबर पे ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूं, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर, उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक, जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है, और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया, जो दूसरा, अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का नोटिस दे दिया हमें इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आपको किया है वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर डिक्टेटर जियाउल हक के बेटे का। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूँ, ये बात बहुत अहम सुनने वाले हैं। जब जैसे चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना केस आपको किया है, मैंने दर्शक जैसे बैठे हैं, आपको सुनने वाली बात है, मैंने वहां पर पुराने पाक पे हाथ रखकर बात की है। मैं कहा जय साहब, आपकी आपके दादे से मैं इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको ये हम ये नहीं छीने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का जहाँ से इमरान खान का सिपाही है, पार्टी वालों को यकीन दिलाता हूँ, ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से गुजारिश करूंगा, मुझे बुलाए, और इजाजुल हक को बुलाए, अगर इजाजुल हक फॉर्म 45 दिखा दे तो हलफन में वही उसके गले में हाथ डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।